कोई बेटा माँ का होता है, कोई बेटा बाप का होता है। माँ और बेटे एक होकर बाप के सामने पड़ते हैं। माँ बाप भगवान है। बताया, मैं आपसे पूछूं, कोई नन्हे बच्चे को पूछोगे आपकी डिक्शनरी में से सिर्फ तीन शब्द ऐसे निकाल दो कि वो निकल जाए, सारी डिक्शनरी खत्म हो जाए। तुम्हारे टीनेजर्स बच्चे को पूछोगे तो वो बताएंगे फैशन, व्यसन और एक्शन। बस 13 to 30 तक फैशन, व्यसन और एक्शन, वही उनकी डिक्शनरी होती है। जैसे ही जिम्मेदारी आ जाती है, डिक्शनरी बदल जाती है। कि इसके ऊपर गया, उसको पूछो तेरी डिक्शनरी में से कौन से तीन शब्द महत्व के है, तो वो बताएगा रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कोई मुझे पूछे आपकी डिक्शनरी में से सिर्फ तीन शब्द निकाल दो ऐसे कि बाकी की सारी डिक्शनरी खत्म हो जाए, तो मैं तीन शब्द दूंगा, मां, महात्मा और परमात्मा। महात्मा के पास लेके जाते हैं, और महात्मा कहां पर लेके जाएंगे, परमात्मा। और आपने देखा ये तीनों वर्ड्स में एक शब्द, एक अक्षर कॉमन फैक्टर है, कौन सा है? मां में तो मां है ही, महात्मा में भी क्या आ गया, मां, और एक बार नहीं दो बार परमात्मा। मां से मां, लेकिन परमात्मा तक पहुंचाने वाले जो महात्मा है, तो महात्मा तक पहुंचाने वाली